वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेलवे जॉब इन्फॉर्मेशन एंड ब्लॉग पे। तो ये वीडियो मतलब पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है आपको, लेकिन बताऊंगा कि ग्रुप डी से आप क्या क्या बन सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि लड़का लोगों को थॉट में आता है कि ग्रुप डी में आए हैं तो ग्रुप डी से क्या आगे बढ़ने मिलेगा, प्रमोशन है कि नहीं, क्या है वगैरह वगैरह सब बताऊँगा। कितना क्या मतलब आता है, कितना डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है, कैसे कैसे होता है सब मैं बताऊँगा ये वीडियो में। ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा लेकिन बताऊँगा, क्योंकि बहुत बच्चा कन्फ्यूजन होता है कि ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं और ग्रुप डी में ही रह जाएंगे कि आगे करें कि नहीं, वो बहुत जन को हो जाता है कि ग्रुप डी में कहीं हम, इसलिए बहुत जन एग्ज़ाम भी नहीं देते कि ग्रुप डी की तैयारी करें, हम उसी में फंस जाएंगे, हम उससे अच्छा और मेहनत करके दूसरा कुछ करेंगे। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, आपको इस चीज़ का नॉलेज भी होना चाहिए। तो ग्रुप डी का में अगर एक बार आप आ गए, ठीक है, रेलवे ग्रुप डी में आ गए, कोई भी डिपार्टमेंट में आए, तो अब इसमें दो डिपार्टमेंट का हम स्पेशली नाम लूँगा मैं, एक डिपार्टमेंट का और बाकी डिपार्टमेंट को अदर में रखूँगा, ठीक है। एक डिपार्टमेंट है ऑपरेटिंग, ठीक है, ऑपरेटिंग, और एक कॉमर्शियल का है, पता नहीं वो, हाँ कॉमर्शियल का, वो सब पोस्ट के लिए ने दो तरह का डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है, LDCE और GDCE, ठीक है, दो तरह का होता है। LDCE जो होता है वो आपका ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट का ही लोग भरते हैं, ठीक है, और कुछ उसमें पोस्ट होते हैं जो कॉमर्शियल वाले भरते हैं, और बाकी अदर डिपार्टमेंट है वो LDCE नहीं भर सकते, वो केवल GDCE भर सकते। इस बार जो हुआ, इस बार तो वो GDCE ही हुआ, जो GDCE में किया है कि आपको पूरा डिपार्टमेंट भर सकते, ऑपरेटिंग हो या कुछ भी हो वो पूरा भर सकते, और LDCE में केवल ऑपरेटिंग भर सकते। इसलिए बोला जाता है ग्रुप डी का कोई डिपार्टमेंट अच्छा है वो है ऑपरेटिंग। क्यों अच्छा है? क्योंकि उसमें बढ़ने का मौका मिलता है आगे, क्योंकि उसमें LDCE के थ्रू स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड वगैरह जितना भी है, ALP वगैरह सब आते हैं, ठीक है। तो अब बात होता है कि GDCE में क्या क्या आता है। तो अगर आपको ऑपरेटिंग नहीं मिला और GDCE अदर डिपार्टमेंट मिल गया तो क्या करेंगे? तो सबसे ऑपरेटिंग में यही है कि इसमें LDCE का आता है तो केवल ऑपरेटिंग भरेगा, तो फाइट भी कम होगा। ओपन से तो ऐसे डिपार्टमेंट में फाइट कम ही होता है, लेकिन फिर भी वो LDCE ही भरेंगे तो फाइट कम होगा, तो उसमें फ़ायदा उस लोगों को वहाँ सिलेक्शन लेने के लिए काफ़ी मौका मिल जाएगा, ठीक है ना। अब GDCE में ऑप्शन आता है कि GDCE में जैसे इस बार हुआ, लास्ट टाइम हुआ था जब शुरू शुरू जो आपका 21 का स्टार्टिंग 19 का लास्ट में आपका हो आ गया था, ठीक है, उस समय ALP वगैरह, सीनियर क्लर्क, गुड्स गार्ड जितना था सब कुछ आया था उसी समय, ठीक है। तो सब एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर, मतलब डिले कर दिया, कैंसिल कर दिया, क्या किया पता नहीं, केवल एक एग्ज़ाम को रखा गया जो था ALP, ठीक है, और ALP के ही थ्रू, वही डिपार्टमेंट ALP के थ्रू ही चंदन और दीपक को हुआ, ठीक है, क्योंकि वो लोग IT और डिप्लोमा वाले थे तो उन लोगों को हो गया। और बात आता है कि ALP के अलावा क्या कहते हैं, तो ऐसा कोई नहीं है, NTPC में ऐसा कोई पोस्ट नहीं है जो आपको डिपार्टमेंट के थ्रू नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा? क्लर्क नहीं मिलेगा, क्लर्क आया इस बार, सीनियर क्लर्क भी लास्ट टाइम था वो कैंसिल, वो इस बार आने वाला, स्टेशन मास्टर भी आने वाला, गुड्स गार्ड तो आया हुआ है, तो आपको हर पोस्ट NTPC का यहाँ पे है, जूनियर क्लर्क, सीनियर क्लर्क सब है, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? अब वहाँ से यहाँ फाइट भी कम है, आपको ग्रुप डी देने में क्या है, जो वहाँ आपको लग रहा है कि नहीं ख़राब गया, NTPC का दिया, ग्रुप डी में आकर प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि एज भी मैटर करता है, आप सही एज में जॉब लेना भी इम्पोर्टेंट। यहाँ आ जाइए, आपको नहीं लगता कि हम जॉब पढ़ाई नहीं कर पाए तो बहुत तरह का लीव है, एजुकेशन लीव है कि आप लीव लेके जा सकते हैं, बहुत कुछ है, नो वर्क नो पेमेंट वाला भी बहुत अच्छा सिस्टम है, तो आप करके जा सकते हैं, तो ये सब रूल से आप पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन आप एक बार तो आ जाइए, यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा मौका मिलने वाला है, ठीक है। बहुजन से नहीं होता, लेकिन बहुजन है जो प्रिपेयर करके निकल जाते हैं, जो मेहनत करते हैं तो प्रिपेयर करके निकल भी जाते हैं, इस बार निकले भी बहुत जन। तो बस जो डिपार्टमेंट लग रहा है NTPC खराब गया और उसको ग्रुप डी भर दिए हैं, लेकिन देने में डर लग रहा है कि क्या करें कहीं फंस ना जाए, तो हाँ आपको बताऊँ ग्रुप डी में आ जाइए, आपको है मौका, बहुत है यहाँ डिपार्टमेंट का, सब जितना NTPC में पोस्ट है सब है, आया है इसमें लगभग से, लेवल 6 का एक तो क्या है वो नहीं है, लेकिन बाकी डिपार्टमेंटल के थ्रू आपको आता है, और एक बार क्लर्क वगैरह बन गया तो APO तक बन सकते हैं, बहुत कुछ है उसमें ऑप्शन। तो आपको जो बच्चे को डर लग रहा है तो हम तो बोले उसको प्रिपेयर करके आ जाना चाहिए, आपको लग रहा है यहाँ आ जाने के बाद तैयारी नहीं, और आप लीव लीजिए लंबा, नो वर्क नो पेमेंट, बहुत के एजुकेशन लीव, एक एक साल का लीव मिल सकता है, तो उसमें क्या है, तो आप लेकर आप अपना, एक क्या होता है आप फंस तो गए कि तैयारी कर रहे हैं तो हम, मुझे नहीं होगा तो हम कम से कम यहाँ आके कर लेंगे, आप ये भी छोड़ देंगे बाद में मौका नहीं मिलेगा तो आप लोग फंस जाएंगे, तो यही बोल रहे हैं।
तो जो इसको जो बच्चा तैयारी कर रहे हैं उसको डाउट है, हम तो बोल रहे हैं 100% आप इधर आ जाइए, आपको सही सही एडवाइस है, हम कोई प्रेशर नहीं बोल रहे हैं, तो आप लोग आपको इसको आजमाना चाहिए, जो मुझे लगता है वो हम आपको बताएं, ठीक है। तो यही था वीडियो कि ग्रुप डी से आपको क्या क्या हो सकता है, डिपार्टमेंटल आपको सी बी कॉपरेटिव मिल गया तो ठीक है, आपको ज़्यादा चांसेस में है, नहीं तो जीडीसी के थ्रू आप यहाँ भी बैठे, और वो ऐसा नहीं है नहीं आ रहा करके नहीं आ रहा, लगभग 3 बार आ चुका है तो जब से हमें, तो आपको ऐसा है मौका आप लोगों को जरूर मिलेगा, तो बस आइए आप मेहनत कीजिए। अब वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, अगर कोई डाउट हो जाए तो कमेंट जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।